Bismillahir Rahmanir Rahim. In the last lecture, we discussed monetary policy instrument. What is monetary policy instrument and how does it fit in the overall framework of monetary policy? तो हमने देखा था कि वो center में आता है. Tool instrument को affect करते हैं, instrument intermediate target को, intermediate target ultimate goal को. अब हम ये देखते हैं कि जो दो तरह के instruments available होते हैं central banks को monetary policy के लिए, उसकी चॉइस कैसे की जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इन दोनों में से लेना चाहिए. अब चॉइस का मसला तब आता है, याद रख लें, जब दोनों में से एक चूज करना हो. अगर तो आप दोनों चूज कर सकते हैं तो फिर तो चॉइस का इशू ही नहीं है. तो चॉइस तब है जब आप एक को टारगेट करते हैं तो दूसरा आप टारगेट नहीं कर सकते, या दूसरे को टारगेट करते हैं तो पहले का टारगेट अचीव नहीं हो सकता. यह चॉइस का मसला है. तो मैं तीन लेक्चर सीक्वेंस में इस चॉइस के ऊपर दूंगा, आपके साथ डिफरेंट इश्यूज शेयर करूंगा कि कैसे इंस्ट्रूमेंट को चूज किया जा सकता है. लेकिन इस लेक्चर में मैं पहले यह क्लियर कर लूं कि एक वक्त में एक क्यों हम कहते हैं कि टारगेट अचीव हो सकता है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज किया जा सकता है, दोनों क्यों नहीं यूज किए जा सकते. पहले तो एक बात ज़हन में रखें कि जो आपका कोई भी मार्केट का सिस्टम होता है उसमें कुछ वेरिएबल्स एंडोजिनस होते हैं, जो मॉडल के अंदर, इकोनॉमी के अंदर या डिमांड सप्लाई का कोई फ्रेमवर्क है तो उसके अंदर डिटरमिन होते हैं जिनकी वैल्यूज, और कुछ एग्जॉजिनस होते हैं जिनकी वैल्यू मॉडल के अंदर डिटरमिन नहीं होती, मॉडल से आउटसाइड डिटरमिन होती है. तो एंडोजिनस वेरिएबल्स वो हैं जो मॉडल के अंदर डिटरमिन होते हैं, एग्जॉजिनस वेरिएबल वो हैं जिनकी वैल्यू मॉडल से नहीं डिटरमिन होती. मसलन डिमांड सप्लाई एक मॉडल है, तो जो दो वेरिएबल प्राइस और क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से डिटरमिन होते हैं, ये दोनों एंडोजिनस हो जाएंगे. जबकि इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेज हैं, ये सारे के सारे डिमांड सप्लाई मॉडल में नहीं डिटरमिन होते, बल्कि डिमांड सप्लाई मॉडल के लिए एग्जॉजिनस कंसिडर किए जाते हैं. तो ये दो तरह के होते हैं. तो याद रखें कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हो तो अगर सेंट्रल बैंक जो है जिस इंस्ट्रूमेंट को चूज कर लेगा कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो चूंकि उसकी वैल्यू सेंट्रल बैंक सेट करेगा, मार्केट नहीं सेट करेगी, तो वो हो जाएगा एग्जॉजिनस. तो जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो हो जाएगा एंडोजिनस. तो ये याद रखें, इन दो में से हमेशा एक एंडोजिनस होगा और एक एग्जॉजिनस होगा. अब दोनों क्यों नहीं एक ही वक्त में हो सकते इंस्ट्रूमेंट, अब इसके लिए ये दो डायग्राम्स मैं आपके सामने रखूंगा. पहली डायग्राम में आप समझें, इस तरह की डायग्राम आप पहले काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे यहां ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. हम ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व्स की मार्केट है उसमें जो रिजर्व्स की सप्लाई है वो जब तक डिस्काउंट रेट नहीं आता, सीलिंग रेट नहीं आता, तो वो एनबीआर पे कांस्टेंट है, नॉन बोरोड रिजर्व्स के ऊपर. यानी कि जब तक डिस्काउंट रेट जो है या सीलिंग रेट उससे मनी मार्केट रेट नीचे रहता है तो सारे रिजर्व्स नॉन बारोड होते हैं, बारोड रिजर्व्स नहीं होते. लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट से ऊपर चला जाता है तो फिर उसके बाद बारोड रिजर्व्स शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए ये इस टाइप का है सप्लाई कर्व, के पहले डिस्काउंट रेट तक या सीलिंग रेट तक वर्टिकल है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो जाता है. दूसरी तरफ जो डिमांड कर्व है रिजर्व का, वो पहले नेगेटिवली स्लोप्ड है, लेकिन जब फ्लोर आ जाता है इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स का या मनी मार्केट का फ्लोर आ जाता है तो उस केस में ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, उससे ऊपर ये नेगेटिव. इसकी डिटेल हमने पहले डिस्कस की हुई. तो यहां पे जो रिजर्व्स की डिमांड है और सप्लाई है उनके इंटरसेक्शन से एक इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बन रहा है, जिसे हम कह रहे हैं IMR स्टेरिक, यानी कि ये मनी मार्केट का रेट है, इक्विलिब्रियम रेट. अब हम टारगेट किसको कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं रिजर्व्स को या रिजर्व एग्रीगेट को. अब चूंकि रिजर्व को टारगेट करने का मतलब यह है कि सप्लाई कर्व को आप टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करने का मतलब है कि उसे किसी वैल्यू पे कांस्टेंट रखना चाहते हैं. तो इसलिए हमने इस डायग्राम में यह किया है कि सप्लाई कर्व को फिक्स कर दिया है, जबकि यह देखा है कि डिमांड रिजर्व की कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज इस डायग्राम में बना दी है. तो आप देख सकते हैं कि जब रिजर्व की डिमांड बढ़ जाती है, अगर सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को कांस्टेंट रखे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, IMR 2 हो जाएगा, और अगर रिजर्व्स की डिमांड कमर्शियल बैंक्स कम कर दें जबकि सेंट्रल बैंक रिजर्व्स की सप्लाई कांस्टेंट रखे तो फिर क्या होगा,
जो इंटरेस्ट रेट है वो IMR हो जाएगा, यानी कि IMR स्टार से नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को टारगेट करता है तो जैसे रिजर्व्स की कमर्शियल बैंक से डिमांड कम या ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा हो जाता है। अब ये मीनिंग था जो मैं कह रहा था कि अगर सेंट्रल बैंक टारगेट करेगा रिजर्व्स को तो फिर इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा जैसे जैसे कमर्शियल बैंक्स की डिमांड चेंज होगी। उसके मुकाबले में हम कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक क्या करे, रिजर्व्स को एडजस्ट करता जाए जैसे जैसे कमर्शियल बैंक की रिजर्व्स की डिमांड चेंज होती जाती है। अब इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम जहां बनाते हैं वह IMR स्टैटिक जो है ये इक्विलिब्रियम मनी मार्केट रेट है, और इसके बाद हम अस्यूम करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स की तरफ से रिजर्व्स की डिमांड बढ़ जाती है जिससे डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब अगर सेंट्रल बैंक उसी टाइम रिजर्व्स को भी इंक्रीज कर दे, यानी कि रिजर्व का टारगेट ना रखे, जैसे कमर्शियल बैंक्स ने रिजर्व की डिमांड बढ़ाई या सेंट्रल बैंक उसकी सप्लाई भी बढ़ा दे, तो जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो इक्विलिब्रियम दोबारा IMR स्टार पे बनेगा, जिसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं होगा। और अगर रिजर्व्स की डिमांड कम कर दें कमर्शियल बैंक्स और अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक रिजर्व्स भी कम कर दे, सप्लाई भी उसकी कम कर दे, यानी कि सप्लाई वाला वर्टिकल कर्व भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा वो फिर IMR स्टार के ऊपर बनेगा। अब इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक जैसे जैसे कमर्शियल बैंक्स की तरफ से रिजर्व्स की डिमांड चेंज होती जा रही है, उसके रिस्पांस में सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स की सप्लाई चेंज करता जा रहा है, नतीजा यह है कि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है। इसका मतलब है यहां सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को टारगेट करना चाह रहा है, उसको कांस्टेंट रखना चाह रहा है, तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं, फिर रिजर्व उसके कंट्रोल में नहीं रहे। थैंक यू।